हेलो, आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही टेस्टी चटनी शेयर करने जा रही हूँ जो गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है। और ये जो चटनी है ना, अगर आपके घर में सब्जी नहीं है तो आप सब्जी के साथ में, बिना सब्जी के भी इसको खा सकते हो, रोटी के साथ में, पराठे के साथ में, पूरी के साथ में, और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो। और ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है और ये बहुत अच्छी चटनी है। और देखिए, ये चटनी बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है। मैंने लिया हुआ है प्याज, और प्याज को आप रफली चॉप कर सकते हैं, जैसे भी चॉप करना चाहें वैसे चॉप कर सकते हैं। सूखे लाल मिर्च, आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप और लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। और ये है अमिया, कच्ची अमिया है ये, तो मैंने दो अमिया ली हुई हैं। और ये है पुदीना, तो हम प्याज और पुदीने वाली चटनी बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब ये सारा सामान, ये पुदीना जो है ना, इसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, और मैं पुदीने को वॉश करके एक स्टोर करके इसको बॉक्स में रख देती हूँ। और अब ये सारा सामान जाएगा मिक्सी ग्राइंडर में, और उसके बाद इसको करेंगे अच्छे से ग्राइंड। और इसमें प्याज है, सूखे लाल मिर्च है, अमिया है, पुदीना है, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक। तो जब इसको हम पीसेंगे तब इसमें नमक ऐड करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये इसमें ऐड कर दिया है मैंने नमक, और इसको अब कर लेंगे ग्राइंड। और ये देखिए, चटनी हमारी अच्छे से ग्राइंड हो गई है, और आप देख सकती हैं। और ये अमिया की पीस रह गई है इसमें एक, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमिया जो पीस रह गई उसको हम हटा सकते हैं फिर। ये देखिए, चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, और कितनी अच्छी चटनी लग रही है। इसको आप रोटी, पूरी, पराठा किसी के भी साथ खा सकती हैं, और बहुत अच्छी लगती है।